क्या आपको पता है कि अज्जू भाई ने इतना कम टाइम में अपना चैनल को ग्रो कैसे किया, और साथ ही क्या आपको पता है कि अज्जू भाई इतना बड़े क्रिएटर होते हुए भी गिव अवे क्यों नहीं करते, एंड क्या आपको पता है कि अज्जू भाई का मंथली इनकम 2021 के अंत में यानी कि 2022 की फास्ट में कितना है। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आपको वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, और अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप मिस कर दोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई के बारे में टॉप 5 फैक्ट, और इन टॉप 5 फैक्ट के अंदर हम उनके इनकम से लेकर उनके स्कैम तक हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप सभी को दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना आगे भी से इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो गाइज, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को छोटी सी इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अज्जू भाई यानी कि टोटल गेमिंग की सबसे पहले वीडियो यानी कि सबसे ओल्डेस्ट वीडियो कौन सा है? आप सभी लोग इस वीडियो को उनका सबसे ओल्डेस्ट वीडियो सोच रहे होंगे, और साथ ही आप लोग यहां पे देख सकते हैं उन्होंने अपना अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है कि उन्होंने इस तारीख से अपना पहला वीडियो डाला था, तो उसके हिसाब से ये वाला वीडियो उनका पहला वीडियो होना चाहिए। और मैं ये बात मना नहीं कर रहा हूँ कि ये उनका पहला वीडियो नहीं है, उनके हिसाब से ये वाला वीडियो उनका पहला वीडियो है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसे बहुत सारे वीडियो डाले थे जिनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया या फिर डिलीट कर दिया है। अगर आप लोग उनके प्रोफाइल सेक्शन में जाकर देखोगे कि उनका टोटल वीडियो 1.6 के है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने वैसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे जिनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया या फिर डिलीट कर दिए हैं। क्या आपको ये बात पता था कि अज्जू भाई ने अपने बहुत सारे वीडियोस को प्राइवेट या फिर डिलीट कर दिए हैं? अगर आपको पता था तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। फैक्ट नंबर 4 अबाउट अज्जू भाई, क्या आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड में फ्री फायर की सबसे बड़े क्रिएटर टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई है, लेकिन वो इतने बड़े क्रिएटर होते हुए भी गिव अवे क्यों नहीं करते? अज्जू भाई के हिसाब से गिव अवे करना ये सब फालतूगिरी है, और ज्यादा गिव अवे करने से लोगों का ध्यान उनका गेम प्ले की तरफ कम और उनके कपड़े की तरफ ज्यादा जाएगा, जिससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और जिस टाइम पे भी लाइव स्ट्रीम गिव अवे हो रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे हजारों हजारों बंदे एक्टिव रहते हैं, और सारे के सारे बंदे उस लाइव स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं हो पाते, जिसके वजह से बहुत सारे बंदे घंटों घंटों धर के यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं लेकिन उनको कोई भी चीज नहीं मिलता, और बाद में वो अपने पेरेंट्स से पैसा चुरा के गेम पे लगाते हैं, जिससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप खुद सोच के देखो, लाखों बंदों में से किसी एक बंदे को चीजें मिलेगा और दूसरे बंदे देखते रहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है कि वो गिव अवे नहीं करते, लेकिन जब उनके ऑडियंस ज्यादा प्रेशर देते हैं तो वो छोटे मोटे गिव अवे करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अज्जू भाई ने इतना कम समय में इतना ज्यादा ग्रो कैसे किए? और मेरे हिसाब से इसका एक ही वजह है कि वो उतने कम समय में इतना ज्यादा ग्रो कर गए, और इसका वजह हो सकता है आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो गाइस, अज्जू भाई का इतना जल्दी ग्रो करने का सबसे बड़ा वजह यह है कि उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया है। आप देख सकते हो आज के टाइम पे उनके चैनल पे 30 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन आज भी वो इतना ज्यादा घमंड नहीं करते हैं, और वो दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, 1 साल पहले उन्होंने डायनामो गेमिंग के साथ गेम प्ले किया था, और उस वीडियो में उन्होंने डायनामो भाई को सरजी कह के बुलाया था, जो कि शायद ही कोई बड़े यूट्यूबर करता होगा। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑलवेज प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई की मंथली इनकम सिर्फ यूट्यूब से कितना है? आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हो, इस रिपोर्ट के हिसाब से उनका मंथली इनकम इतना डॉलर से लेके इतना डॉलर के बीच में है, जो कि आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर इस डॉलर को मैं इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो ये इतना होता है। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से उनका मंथली इनकम इतना है, लेकिन इससे ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर मैं उनका सिर्फ यूट्यूब से मंथली इनकम बताऊँ तो इंडियन रुपीज में वो कम से कम 30 लाख रुपया होगा, और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे साइड इनकम है, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि वो एक इंजीनियर है और वो जॉब भी करते हैं, तो इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका मंथली इनकम कितना हो सकता है। फैक्ट नंबर 1 अबाउट अज्जू भाई, और इस नंबर 1 फैक्ट को सुनने के बाद हो सकता है कि आप लोग मुझे गाली दो, लेकिन जो सच है वो सच है, सच कभी बदल नहीं सकता, और इस चीज को हम फैक्ट नहीं कह सकते, इसको हम एक स्कैम कह सकते हैं जो कि अज्जू भाई के द्वारा किया गया है। और इस वीडियो से मैं कोई भी हेट नहीं फैला रहा, बस मैं सच ही बता रहा हूँ, और आप सभी लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हेट बिल्कुल भी मत फैलाना। तो भाई, नंबर 1 फैक्ट जो है वो है फेक लाइव स्ट्रीम। आप सभी लोग को तो ये बात जरूर पता होगा कि जिस दिन अभी अपडेट आता है उस दिन गेम बंद रहता है, लेकिन उस दिन भी अज्जू भाई अपना लाइव स्ट्रीम चलाते रहते हैं, जो कि उनका पहले रिकॉर्डिंग वाला वीडियो होता है। और अगर आपने उनका अभी अपडेट दिन का लाइव स्ट्रीम देखा होगा तो आप इसे मना नहीं कर सकते कि ये फेक है। उस दिन गेम बंद होने की वजह से बहुत सारे बंदे यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, और इसके वजह से उनको बहुत गुना ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि अभी अपडेट के दिन बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए वो वाला
वाला गेम खुला रहता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओपी अपडेट के दिन हर एक क्रिएटर्स के लिए गेम बंद रहता है। और इस बात को मेरा बताने का मतलब कोई भी हेट फैलाना नहीं है, इसलिए आप भी प्लीज बिल्कुल हेट मत फैलाना। तो दोस्तों ये थे आज की अज्जुभाई के बारे में टॉप 5 फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, रहते हैं, जय हिंद।